स्टेज पर मौजूद राहुल गांधी ने भी दावा किया है कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे और वाराणसी में उनकी हार होगी। कांग्रेस नेता अजय राय के लिए कैंपेनिंग करने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि इस मुकाबले में अजय राय बड़े फर्क से जीत भी सकते हैं। आपको बताते चले, वाराणसी हॉट सीट आखिरी मरहले की मानी जा रही है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी इस मैदान में है तो दूसरी तरफ इंडिया इतिहाद की तरफ से अजय राय को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि लगातार पिछले 3 बार से हार का सामना कर चुके हैं। और अब ऐसे में इंडिया इतिहाद कह रहा है कि अजय राय बड़े फर्क से जीत भी सकते हैं और इन दावों में और इन वादों में कितनी सच्चाई होती है ये देखना बेहद अहम होगा जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। आपको गारंटी कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री 4 जून को नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे, इसीलिए ये चुनाव प्रधानमंत्री कैंडिडेट और अजय राय के बीच में नहीं है। ये चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में है और मैं गारंटी कह रहा हूं कि जबरदस्त लड़ाई है और इस लड़ाई को अजय राय जी जीत भी सकते हैं, भारी बहुमत से जीत सकते हैं।